हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज उस्मान अशरफ एंड आई एम द आर्ट्स इंस्ट्रक्टर एट डैडिफा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फाइव डूज ऑफ द लैंग्वेज सर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है लैंग्वेज सर्ट का एग्जाम देते हुए वो ये है कि आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका पासपोर्ट या यू शुड हैव योर आइडेंटिटी कार्ड विद यू, क्योंकि इन दोनों चीज जस्ट इन केस यू डोंट हैव योर पासपोर्ट, आपके पास आपका आईडी कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर टू, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अलोन इन द रूम। आपको ये बात मेक श्योर करनी पड़ती है कि आप कमरे के अंदर अलोन हैं, आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए और आप वो सिंगल पर्सन होने चाहिए रूम के अंदर अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। नंबर थ्री, आपके रूम के टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव नथिंग ऑन द टेबल ऑफ योर रूम जिसके ऊपर आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। इट शुड बी ऑल क्लियर एक्सेप्ट फॉर योर सेल फोन, और आपके पास आपका कोई अगर आपके इंटरनेट की डिवाइस है तो वो पड़ी हो सकती है। इसके अलावा किसी टाइप का मटेरियल एक्सेप्ट फॉर पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, इसके अलावा आपके टेबल के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर फोर, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से इस चीज को मैनेज कर सकें कि आप एक 360 डिग्री रोटेशन करके एग्जामिनर को दिखा सकें। एक बात याद रखिएगा कि लैंग्वेज सर्ट एग्जाम में वो आपको एक 360 डिग्री रोटेशन करने का कहते हैं जिसमें आपने पूरे रूम को दिखाना होता है। तो या तो आपका कैमरा ऐसा होना चाहिए कि जो 360 डिग्री एंगल पर रोटेट कर सके, या फिर आपकी पोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से उठ के 360 डिग्री का एक रोटेशन करके एग्जामिनर को कन्विंस कर लेते हैं। And the last thing that you should have your, number five, you should have your cell phone with you. अगर आपके पास आपका cell phone होगा तो आपके लिए बहुत easy होगा, क्योंकि language cert की जो examiner है, जो उनका panel है, वो आपको ये बात आपसे make sure करवाते हैं कि आपके पास आपका cell phone होना चाहिए, वो vibrate mode पे लगा होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ये बोलते हैं कि अगर उनको documents clearly camera पे नजर नहीं आ रहे होते तो वो आपको कहते हैं कि आपने अपनी picture लेके अपने passport की आपने अपना name zoom करके कैमरे में दिखाना होता है उनको उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए। सो दीज आर द फाइव डूज ऑफ द लैंग्वेज सर दैट यू नीड टू मेक श्योर इन ऑर्डर टू हैव अ गुड एग्जाम एक्सपीरियंस। सो आई थिंक दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अस थ्रू आर फेसबुक पेज और आर यूट्यूब चैनल। विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड फ्रॉम द एडिफा ग्रुप ऑफ कंपनीज। खुदा हाफिज़।